हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंड दे असल में। तो गाइस, जिस भाई ने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। तो हमारे चैनल पर जो ऐसी फ़नी व्लॉग्स आते रहते हैं, तो चैनल पर क्या है ना गाइस, बहुत से लोग आते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, बट चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज क्या करने वाले हैं भाई, आज पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और 3-4 दिन से लगातार पड़ रही है। फ़ैन भी जो है, ये मैंने फ़ैन फुल पे कर रखा है, और फ़ैन भी क्या करे, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर थोड़ी ना डाउन कर सकता है फ़ैन। तो गाइस अभी जो है आज से सफ़र स्टार्ट करते हैं कूलर को कसने का। तो अपना कूलर जो भी पेंट करना है, पेंट करने के बाद पूरा कसना है, तो देखते हैं कितने दिन में कम्प्लीट होता है। तो चलो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। एक पैनल तो जो है कंप्लीट हो गया पेंट होके, अभी बाकी के रह गए हैं, दिखाता हूँ। अभी जो है इसका नंबर है, और उसके बाद और भी रखे हुए हैं स्टोर रूम में, फिर ये है, फिर एक और है, तो सभी को पेंट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कूलर को, चला के देखते हैं भाई। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं, गर्मियों का तो कुछ पूछे ही मत। पेंट वगैरह करते हैं, चलाते हैं। तो गाइस गर्मियों से बचो भाई, कूलर वगैरह पेंट करो, लगाओ। और अभी जो है पहले पूरा कूलर जो है पेंट कर लेते हैं। और आज है सेकंड डे, और तुम्हारे भाई ने जो है फाइनली तुम्हारे भाई ने आधा कूलर जो है पेंट कर लिया है। जाली वगैरह रह गई है, बट फिर भी मैंने जो है आधा कम्प्लीट कर लिया है। ऊपर नीचे के टैंक मैंने जो है पेंट कर दिए, ये पेंट कर दिया और ये भी पेंट कर दिया। ये मेरी स्कूल के यादें हैं, इसी स्कूल में पढ़ा था बाबापातीराम। इसका पोस्टर जो है बाहर लगा हुआ था, तो अभी जो है हवा 2-3 दिन से काफ़ी चल रही है। तो गाइस अब फाइनली जो है कूलर पूरा पेंट हो गया है, और काफ़ी दिन सुखा भी लिया है। इन जालियों को मैंने पेंट नहीं किया है, करीबन इसको 6-7 दिन हो गए सूखते सूखते। इस जाली को मैं जो है इसके अंदर लगाऊंगा, उसके बाद उसमें घास रखी हुई है गट्टे में, उसे लगाएंगे गाइस। तो भाई लोग सबसे पहले जो है इन जाली को कंप्लीट कर लेते हैं एकदम, तो पेंट वगैरह करके, पेंट तो हो गया है ऑलरेडी, अब इनमें जो है घास वगैरह लगा के इनको कम्प्लीट कर लेते हैं। और गाइस सुम डुसुम के लिए खतरा, ये बैठा हुआ ये सिम डुसुम का खतरा है गाइस, और ये खतरा यहाँ पे बैठा हुआ है। और गाइस देखो ये जो है भागेगा, और ये भाग रहा है, ओहो। तो गाइस अभी जो है जाली तो सभी में लगा दी है, इसमें भी लगा दी है, और इसमें भी लगा दिया है, इसमें जो है मैंने घास लगा दी है, बस इसको ऊपर से जाली लगा के इसको बंद करना बाकी रह गया है। तो गाइस अभी जो है मैं पूरा ऐसे तीनों पे घास लगा के, अभी घास बची हुई है, तीनों पे घास लगा के इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10, और मैंने जो है 2 जालियों में घास लगा दिया भाई। ये कूलर का मैं पूरा जो है ब्लॉग डालने वाला हूँ गाइस, मेरा कम से कम 15 दिन में जाके कम्प्लीट हुआ है। और ये कितनी ज़ोर से चमक रही है, ये फ्लैशर होते हैं रात में ही चमकते हैं, रिफ्लेक्टर। तो गाइस इसमें जो है जाली लगाने का, ये दिख रही होगी आपको जाली, ये तो अभी जो है 2 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अभी एक जाली में बाहर घास लगा रहा हूँ गाइस, ये हो गई हैं 3 जाली कंप्लीट, और इसमें ये वाली जाली लगाई थी अंदर, ये जो लटक रही है ये इसके अंदर लगी हुई है, ये रही। तो पूरी 3 जाली जो है कंप्लीट हो गई हैं, बस अब इसको सुबह कसेंगे, और कल से जो है तुम्हारा भाई ठंडी हवा में सोएगा भाई। गाइस फाइनली पूरा कूलर जो है कस के कंप्लीट हो गया है, और पहले इसमें जो है ग्रिल नहीं थी, तो अभी ग्रिल लगा दिया है। अब क्या है ना गाइस, पहले जो है उस जंगले में लगा हुआ था, तो ग्रिल नहीं होने की वजह से हवा वगैरह जो है एकदम पंखे पे ही जाती थी, तो वैसे भी पूरा घर ठंडा हो जाता था, पर मैं आज तक भाई अपने कूलर की हवा में भी नहीं सोया।
अब जो है ग्रिल लग गई है, तो मैं तो इसके सामने ही सोऊंगा बिल्कुल। अभी इसमें जो है कनेक्शन वगैरह करना बाकी है, ये रहे कनेक्शन। तो गाइस अभी मिलते हैं बिल्कुल जब ये चालू हो जाएगा, तब फिर इसकी कूलिंग फील करेंगे। और अभी मैं इस जंगले में जो है जाली लगा दूंगा, उसमें से भी कुछ एयर ले लेगा ये, और कंप्लीट हो गया है गाइस। हमेशा आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी अगर फर्श में जो है आप कूलर रखते हो अंदर, तो थर्माकोल लगा लेना भाई नीचे, अच्छा रहेगा सबसे। तो मैं एक्स्ट्रा थर्माकोल जो है कट कर दूंगा इसका भी, बट आप भाई थर्माकोल लगाना सही रहेगा। और ग्रिल लग गई है, कूलर भी एकदम देख ही सकते हो मेरे से भी लम्बा है भाई, मैं आ रहा हूँ यहाँ तक और ये मेरे से इतना ऊंचा है। कूलर नहीं है पूरा, फूपा है फूपा, चलने दो। अभी इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो गाइस अभी इसको जो है पूरा कंप्लीट कर देते हैं भाई। मैं तो अभी साइकिल चला के आया हूँ, तो गर्मी लग रही है मेरे को बहुत तेज़, इतना पैसा है नहीं कि थार से जाएं। तो गाइस अभी जो है इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं भाई, और उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा एंड में। तो गाइस फाइनली लग गया कूलर, और चालू हो गया। इसमें मैंने स्विच भी लगा दिए। जाली से ना एक फ़ायदा होता है कि इसमें जो पानी है वो नीचे नहीं टपकता है, फर्श में कहीं भी पानी नहीं गिरेगा, किधर की भी साइड कहीं भी देख लो आप, फर्श में पानी नहीं गिरेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा पानी निकल रहा है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है, और यही फायदा है शाम के टाइम सिमड सुम मजे कर रहे हैं। कूलर को कसने में